दोस्तों इसमिलकुम आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपको क्लास एट का मैथ जाना शुरू करूंगा आप सोच रहे होंगे क्लास एट का क्यों लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि क्लास एट के जो और क्लास नाइन के जो भी ट्यूज चैप्टर थे वो मैंने आज आप लोगों को करवा दी है अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बताया मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा मतलब टाइम निकाल के कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट ऑन सब्सक्राइब तो आपको जैसे क्या पता है क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रख देती दूँ इस दफा भी मैंने यही किया पहले से लिख के रख दी थी क्वेश्चन है वरीफाई यूनियन भी बी यूनियन है इंटरसेक्शन भी है लेकिन इंटरसेक्शन में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अभी से मैं आपको सिर्फ यूनियन करना बता रहा तो चलिए यूनियन को शुरू करते हैं करना तो है ए यूनियन पहले हम यही वैल्यू नीचे उतार लेंगे इक्वल टू वन टू थ्री टेन लिखने के बाद अब ये जो, जो ये है जो स्लैश है ब्रैकेट है जो भी बीच में स्पेस है आप सोचे हो गए क्यों है या तो आप इसका मतलब अप टू सो वन से ले कर टेन तक के दरमियान में जितने भी वैल्यू है वो सब है अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें आप बीच में वो वन थ्री फोर फाइव थ्री सेवन एडिट करना चाहिए उतना भी आप कर सकते हैं तो अगली वैल्यू लिखिए बी के साथ बी इक्वल टू सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ये ट्वेल्थ ये हो गया ट्वेल्थ तक अब हम नीचे लिखेंगे पूरा ए यूनियन बी इक्वल टू अब आपने इसको पूरे के साथ बताना है पहले तो हम अलग अलग थे ना अब हमने इसको पूरा से लिखना है स्ट्रेट लिखना है एक ब्रैकेट में वन टू थ्री अब थ्री के बाद फोर है ये देखें फोर फाइव सिक्स सेवन ये अपन तो तक है फोर फाइव सिक्स सेवन और आगे एट नाइन टेन यहाँ से शुरू हो रहा है एट नाइन टेन अलेवन और ट्वेल्व ये मेरा फाइंड हो गया ए यूनियन बी इसको मैं दे देगा नाम लेफ्ट हैंड साइड की अब अगली मैं शुरू करूँगा राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए बी यूनियन ए फाइंड करना है बी यूनियन ए उसकी वैल्यू भी मार्के कल से लिख लूँगा मैं सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ये ट्वेल्व बी की वैल्यू हमने पहले लिखनी थी ये इसको हम बी ज़रूर लिखेंगे अब क्योंकि बी उल्टा शुरू करें फिर यहाँ पे ए आएगा और हाँ एक बात ज़रूर आप यूनियन डालना मत भूलेगा मैंने तो बी डाला है लेकिन यू, यूनियन ज़रूर आएगा साथ ए की वैल्यू हमारे वन टू थ्री अप टू टेन तक ये मेरे पास ए की वैल्यू है अब हम लिखेंगे और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ए यूनियन बी का जो आंसर आया है वही आंसर हमारा बी यूनियन ए का भी आना चाहिए तो चलिए देखें बी उसी तरह लिखेंगे बी यूनियन इक्वल टू मैं आहिस्ता बोलूँगा जैसे कि पीछे अजाने हो रही है अच्छा वन उल्टी सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ये ट्वेल्थ ये हमने बी की वैल्यू उतार ली उसके बाद हम ए की वैल्यू उतारेंगे नीचे वन टू थ्री और ये टेन फिर बी यूनियन ए लिखे गए उसी तरह में, अब हम इसको तो उल्टा नहीं लिखेगा सेवन एट नाइन एट नाइन अलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री अब इसको उसी तरह से लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ये ट्वेल्व ये देखिए ए और यूनियन बी का आंसर सेम आया मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये देख लीजिए आप अब अब हम ये देखें अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अंदर प्रूफ आया है अब हम लिखेंगे राइ लेफ्ट राइट हैंड साइड हैं, प्रूफ आपकी वीडियो में आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपसे अगली वीडियो पर मिलता हूँ तब